हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करोना पढ़े। मेरा जमा चुका है 600 के साइंस के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ, जो आपके फर्स्ट टाइम एग्जाम में आने वाले हैं, और इसके कारण मैं आ चुका हूँ आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस लेके। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं ये सारे वीडियोस क्यों बना रहा हूँ। तो जैसे कि मुझे जानकारी मिली है कि आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है वो शुरू होने वाली है आगे 7 दिसंबर से, और उसके पहले 600 के जो बच्चे हैं उनका 40 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, 40 मार्क्स इज़ अ ग्रेट नंबर, पर जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ वो होने वाले हैं 100। अभी इस 100 में से आपको कोई भी रैंडम 40 क्वेश्चंस आएंगे। तो जो मैं 100 आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको अगर ये सारे 100 क्वेश्चंस बाय हार्ट हो गए तो आप ये जो टेस्ट आपकी 40 मार्क्स की, ये आप टॉप करोगे। आई गारंटी यू, आपने अगर सारे के सारे 100 क्वेश्चंस लर्न कर लिए, टफ क्वेश्चंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है, लर्न करना आसान होगा, आंसर्स इजी है, अगर आपने कर लिए तो आपके स्कूल में जितने भी आपके स्कूल के टॉपर होंगे। आई गारंटी यू टॉपर नहीं हुए अगर आपने मेरे वीडियोस अच्छे से देखे होंगे, अगर आपने सारी चीज़ें अच्छे से सुन ली होगी, अपनी सारी वीडियोस आपने अच्छे से देखोगे मेरे 600 के बच्चों के से मैं बात करूँ, तो आई गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि आप टॉपर हो, टॉपर बनोगे और आप टॉपर ही रहोगे अगर आप ये जो पैटर्न मैं आपको दिखा रहा हूँ आप फॉलो करोगे। आपके एग्जाम होगी 40 मार्क्स की, मैं आपको दे रहा हूँ 100 क्वेश्चन, उन 100 क्वेश्चन में से रैंडम 40 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं जो आपको ढंग से याद करने वाले हैं। तो चलिए हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट, व्हिच इज द नेचुरल सब्सटेंस सॉइल? इट इज नॉट एन सिंथेटिक थ्रेड, कॉटन। ऊपर के क्वेश्चंस दिए हैं, ये क्वेश्चंस पहले से मैंने मेरे एक वीडियो में बना चुका हूँ। थोड़ा सा हमारे टीम के बीच में मिसकम्युनिकेशन और डिस्कशन के कारण गलती हो गई, तो मैंने अब तक, ये मेरा तीसरा वीडियो होने वाला है इस सीरीज़ का, आपके एग्ज़ाम की सीरीज़ का। तो जो पहले वीडियो में मैंने 15 क्वेश्चन दिए थे इसी इसके एक अलग एनिमेटर के थ्रू, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें पीछे एक गाना चल रहा है और उसमें कुछ चीज़ें लिख के आ रही है, वो चीज़ें जो पहले 15 क्वेश्चन है इस वर्कशीट के वो है, वो सारी मैंने आपको दी है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक चेक कर सकते हो। और नेक्स्ट चीज़ कि ये है, अभी जो मेरे 15 क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हो गए, पर उसके आगे के जो क्वेश्चंस थे वो मैं बना नहीं पाया क्योंकि वीडियो लिमिट यूट्यूब मुझे एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए अब जो बाकी के जो क्वेश्चंस बाकी है मेरे, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा के दिखा रहा हूँ और मैं आपको दे रहा हूँ। तो जो हमारे पहले 15 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके वो वीडियो में, और आप इसे एक पार्ट 2 समझ सकते हो उस वीडियो का। तो चलिए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। ग्लास एंड क्लीन वाटर आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी। द प्रॉपर्टी ऑफ कैरी हीट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। सैंड इज मेल्ट टू मेक ग्लास। अपॉन हीटिंग द क्रिस्टल ऑफ आयोडीन कन्वर्ट इंटू 3 वेपर्स। द डक्टाइल ऑफ रिंग साउंड इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रिंग साउंड इज Sonority. The metallic point of freezing of wheels is the melting point at the freezing point of wheels is 10 degrees Celsius. Following which are not solid substance, ink. Dash is a good conductor of electricity. Copper. It is not an mineral. Fats, which is not soluble in vitamins, vitamin A. Which food we get proteins? Milk. Which is not a junk food? Egg. Anemia is caused by the deficiency of iron. It is not a vitamin. It is not vitamin A. Fish. Pulses are very good source of proteins. What is the smallest bone in our body? Stapes. Which part of the bone makes red blood cells?
बोन मैरो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन कॉज रिकेट्स कनेक्टिविटी टिश्यू दैट कनेक्ट्स मसल एंड बोन टेंडॉन्स विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड इन द शोल्डर एंड हिप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वेयर इज द स्मॉलेस्ट बोन इन बॉडी लोकेटेड यर हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन स्पाइनल कॉर्ड 33 बोन्स आर ऑफ द टोटल बॉडी 1.15 बोन्स आर 1.15 ऑफ द टोटल बॉडी वेट। तो हमारे क्वेश्चंस तो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। ओके लेट मी कैलकुलेट। तो सबसे पहला वीडियो जो मैंने एनिमेटेड वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको दिए थे 15 क्वेश्चंस। दूसरा ये होगा मेरा दूसरा नहीं तो तीसरा वीडियो जिसमें मैं आपको दे रहा हूँ आई गेस एक दूसरे वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चंस दिए थे। अभी ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको कितने क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहली बात हमारे हुए थे पहले 15 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100, फिर हमारे हुए प्लस 20 जो मेरे सेकंड वीडियो में बनाए थे 20 क्वेश्चन दैट इज 35 क्वेश्चंस। अब मैं आपको दे रहा हूँ 23 क्वेश्चंस और द टोटल इज 43 प्लस 15 क्वेश्चंस। तो ये हो गया टोटल जो मैं आपको दे रहा हूँ आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 600 के लिए। तो आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस मैं आपको 58 क्वेश्चंस दे चुका हूँ आउट ऑफ 100 जो आपको ओके तो आपके एग्जाम होने में मैं आपको ये बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ पर स्टिल मैं आपको और एक बार आपकी एग्जाम होने वाली है 40 मार्क्स की और एवरी क्वेश्चन को मिलेगा 1 मार्क। तो दैट इज 40 क्वेश्चंस आएंगे आपको आपके 40 मार्क्स के एग्जाम में और मैं आपको दे रहा हूँ 100 क्वेश्चंस। दैट इज मेरे 100 क्वेश्चन में से कोई भी ऐसे 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे पर आउट ऑफ दैट 100 मैं आपको अब तक दे चुका हूँ 58 क्वेश्चंस। अभी जो बाकी का रिमेनिंग पार्ट बाकी है क्वेश्चंस का वो मैं आपके लिए लाऊंगा बहुत जल्दी लाऊंगा पर तब तक के लिए गुड बाय।